अब्दुल मुत्तलिब आते ही खड़ा हुआ, कहा क्या चाहिए आप? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे ऊंट तूने गिरफ्तार किए हैं वो छोड़ दो। अब्रहा बादशाह ने कहा कि ऊंट छोड़ दो। जब अब्दुल मुत्तलिब जाने लगे, अब्रहा बादशाह पूछता है, अरे आप ऊंट लेकर जा रहे हैं, मैं काबा गिराने आया हूं, आप गुजारिश कर सकते थे, हाथ जोड़ सकते थे, आप कह सकते थे कि तू मत गिरा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऊंट मेरे हैं, मैं लेकर जा रहा, ये घर मेरा नहीं खुदा का, इसकी हिफाजत खुद क्या फिक्र करने की जरूरत है। अब्रहा बादशाह अब्दुल मुत्तलिब को देखकर जो तख्त छोड़कर खड़ा हो गया, अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में नूरे नबी चमक रहा था। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में नूरे नबी चमक रहा था। अब आइए और कहेगा, अब ये नूर अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा लिबासे बशरियत पहनकर आमीना के बदन से पैदा हुआ। अब आइए सिर्फ 2 मिनट की तवज्जो, बाद में तकरीर सुनिए। मेराज की शब अल्लाह ने हुक्म दिया लाओ मुस्तफा को, जिब्राइल लेकर गए थे, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, सातवें आसमान अर्श आजम मुस्तफा जब पैदा हो रहे हैं, ना मुकम्मल दिन है ना मुकम्मल सलाम मेरे बाजा के सफेद दरबार पर।
सबसे पहले ईद मिलाद के मुबारकबाद सबके लिए पेश करता हूँ। और ये जो मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद और मदरसा है, वहाँ पर आज एक शानदार तरीके से ईद मिलाद नबी मनाया गया है। और ये जो है आर एस नेहरू नगर कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे रेवेन्यू लैंड ज़मीन के ऊपर है। ये बहुत गरीब तबके के लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक ज़मीन मस्जिद और मदरसे के लिए ज़मीन खरीदी गई है, जिसका आप लोग मसल्ले का आप जैसा हजरत बोले 1000 रुपये जितना हो सके उतना ताउन करके जगह जल्द से जल्द एडवांस दे के हमारे मस्जिद के नाम पर रजिस्टर करने के लिए कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह आज नमाज मगरिब से लेकर अब तक मदरसा व मस्जिद मदीनतुल मुनव्वरा में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम अजीम शान पैमाने पर मनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जमा हुए, ज़ियाफ़त का भी इंतज़ाम रहा। इस मदरसे के तलबा व तालिबात भी इस प्रोग्राम में शिरकत किए। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत कामयाबी की तरफ चला। माशाल्लाह एक अच्छा पैगाम हम सबको सुनने का मौका मिला। मैं तमाम ही हजरात से गुजारिश करता हूँ, मस्जिद मुनव्वरा मदीनतुल मुनव्वरा वो मदरसा मदीनतुल मुनव्वरा के लिए ज़मीन ली गई है, जैसा कि इससे पहले भी ऐलान किया गया था। मैं तमाम ही हजरात से गुजारिश करता हूँ, मैंने आँखों से यहाँ पर देखा है और मैं भी यहाँ का एक ज़िम्मेदार हूँ, यहाँ ताउन की बहुत सख्त ज़रूरत है। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तमाम ही हजरात से गुजारिश करता हूँ, जो हजरात ताउन करना चाहते हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं, ये शहर मैसूर का इदारा है, यहां ताउन की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप तमामी हजरात इस मदरसे और मस्जिद के ज़िम्मेदारों से मुलाकात करें, जायज़ा लें, सर्वे करें और यहां के लिए ताउन करें। अल्हम्दुलिल्लाह जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर एक पैगाम देना चाहता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पूरी दुनिया के लिए रहमतुलिल आलमीन सरकार बनकर आए हैं। मेरे आका अमन का पैगाम देने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस्लाम अमन का मजहब है और अमन का पैगाम देता है। मैं तमाम लोगों को, हिंदुस्तान के तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं, भाईचारा कायम रखें, एक दूसरे के मजहब पर उंगली ना उठाएँ, भाईचारा कायम रखते हुए एक दूसरे से मोहब्बत, भाई भाई बनकर हम देश को बचाने, देश को संवारने की कोशिश करें। मैं तमामी हजरात से गुजारिश करता हूं और मदरसा मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब से
तमाम लोगों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबादी पेश करता हूँ। अब हाफिज कलीमुल्लाह साहब आपसे बात करें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस बात की बहुत खुशी हुई कि तमाम हजरात हमारा साथ दिए और माशाल्लाह लगभग मैं लॉकडाउन से मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए आए हैं और उसके साथ साथ ही हमारे यहाँ मदरसा चल रहा है जिसमें बच्चे लड़कियाँ और लड़के 70 बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम हो रहे हैं। कई बच्चों का कुरान ख़त्म हो चुका है, कई बच्चे ख़त्म करने वाले हैं, अभी कई बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। आप लोगों की दुआओं से मैं हमारे सैयद मलिक बख्तियार साहब, कलील भाई, गौस पीर साहब, अकरम भाई साहब और दीगर हमारे सैयद जाफ़र साहब जैसे नौजवान बेटे, इनकी बहुत खिदमत का अंजाम रहा, हमारा साथ देते आए हैं, लिहाजा उनकी कुर्बानियों से एक छोटा सा हमें एक शर्ट डाल कर यहाँ पर नमाज भी पढ़ ले रहे हैं और उसके साथ साथ बच्चों की तालीम भी दे रहे हैं और जगह भी एक ख़रीद करें। आप लोगों को पहले ही हमें बताए थे यौम शहादत पर कि जगह ख़रीद करें, वहाँ पर एक बेहतरीन मदरसा बनाना। हमारे कलील भाई की बहुत कुर्बानियाँ, जो ज़माने से 20 साल से देखते हुए आया हूँ, ऐसे इदारों पर अब जान दिल खोल कर वो साथ देकर आएँ और हमारा भी साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनको उनकी उम्र में बरकत दें, क्योंकि हमारा साथ देने वाला बनाए, साथ दे रहे हैं, देते हुए हमारी हिम्मत को अफजाई कर रही हैं। वो दूसरी बात यह है कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो जगह ख़रीदे हैं वो जगह जो है लगभग 6000 स्क्वायर फीट ज़मीन ख़रीदे गए हैं, जिनके लिए 3.5 लाख रुपये एडवांस कर करें, अभी कुछ करने वाले हैं, कुछ देने वाले हैं। लिहाजा आप तमाम हजरात से भी, कई हजरात भी हमने पैसे दिए हुए हैं, इसके बाद इंशाल्लाह अभी कुछ पैसा जमा कर एक अमाउंट देकर वहाँ पर ईद मिलादुन्नबी का जलसा करना करके एक इरादा करे थे, लेकिन अब लॉकडाउन और दूसरी होने की वजह से मस्जिद में फ़िलहाल आवर्ती तौर पर यहाँ पर आज हम इब्तदा ये जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाए गए। लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश करते हैं कि एक मसल्ले की कीमत 1000 रुपये है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि वो मदरसा जो है मदीनतुल मुनव्वरा है, हुजूर की बस्ती का नाम है जो मदीनतुल मुनव्वरा है, वो मदीने के नाम से एक एक मसल्ला आप लोग दिला दिए, इंशाल्लाह वहाँ पर बेहतरीन मदरसा भी बन जाएगा और उस इलाके रहने वालों को एक मस्जिद भी बन जाएगी। आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, इंशाल्लाह हमारी मेहनत जो काम है आप लोगों की खिदमत करने का मौका भी मिल जाएगा। मैं कहते हुए आप लोगों को इस मिलाद की मुबारकबाद कहते हुए हमारे जो ज़िम्मेदार हजरात हैं उनसे, अहले मोहल्ला से, तमाम मोहल्ले तमाम लोगों के लिए, तमाम दुनिया वालों के लिए ईद मिलाद की मुबारकबाद कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आज इस महफिल के अंदर मिलादुन्नबी के 12वें के जलसे में नायडू नगर के मस्जिद मुनव्वरा के सदर सईमुल्लाह खान और नईमुल्लाह मलिक अलीमुर्रहमान की तरफ से और मस्जिद के मैं सेक्रेटरी के अहदे के हिसाब से मैंने मस्जिद मुनव्वरा की तरफ से कलीमुल्लाह के जो मदरसे को मस्जिद मुनव्वरा के अमानत 5000 रुपये ये मदरसे को मैं दे रहा हूँ, कल अमानत को पहुँचाऊँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद मुनव्वरा मोहल्ले की मस्जिद मुनव्वरा की तरफ से मरहूम समीउल्लाह खान और सैयद मलिक रहमान और अलीमुर्रहमान की तरफ से मस्जिद के सेक्रेटरी की तरफ से 5000 रुपये कलीमुल्लाह के मदरसे को, और मैं आजीजाना गुजारिश करता हूँ मोहल्ले से, हर एक मस्जिद को मोहल्ले के अंदर 3 मस्जिदें हैं, 3 मस्जिदों को भी जितना होता था चंदा दो, हर कोई शिकवा शिकायत करे हुए मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत चाहत को कायम करो, आमीन, नफरतों को दूर करो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ये उलमा इकराम के सुफेल से हमारी हर एक परेशानी को दूर करें दे, मोहल्ले को नायडू नगर के अंदर LIG MIG EWS के हर एक मुसलमान माँ बहनों को, मेरे दोस्त अहबाबों को मेरी दुआ है कि मस्जिद को जितना होता है हर मस्जिद को 3 मस्जिदें हैं, 3 मस्जिदों को भी ना दिल खोल कर चंदा दे, मदरसे को चंदा दो, अल्लाह ताला खैर बरकत देता है, हमारा हिदायत देता है, बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं तो अल्लाह उसकी बदौलत हमारे अल्लाह हर गुनाह माफ़ होते हैं, हमारे हसद को, बगस को, कीने को, कपट को दूर करो, आपस में मोहब्बत चाहत को लेकर आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी हुई मौलाना कलीमुल्लाह अशरफी साहब
आज ईद मिलाद उन्नबी के मौके पर मस्जिद और मदरसे के इफ्तिताह और उसके तामीर का मामला छेड़े। अल्लाह ताला मिलाद के सदक़े में इनकी मेहनतों को कामयाब फरमाए और मस्जिद मनवरा मदीनतुल मुनवरा और मदरसे मदीनतुल मुनवरा को ता क़यामत तक जिंदा व पाइंदाबाद और शानदार रखे। उसके ज़रिए से आवाम की खिदमत हो और खल्क़ की खिदमत हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी मेहनतों को कामयाब फरमाए और हम सब के यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।